इंटरनेशनल सैटरडे और आज मैं आपको बैंगलोर की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस एरिया में और काफ़ी क्राउड है। रात के बजे हैं डेढ़ बजे का नज़ारा दिखा रहा हूँ। हेलो गाइस, आज है सैटरडे और आज मैं आपको बैंगलोर की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूँ। मैंने बैंगलोर का ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिखा दिया है, अब नाइट लाइफ जो है बैंगलोर की वो आपको मैं अभी तक नहीं दिखा पाया। एक्चुअली मुझे भी टाइम नहीं मिला, तो आज सैटरडे है और आज मैंने सोचा कि चलो आपको नाइट लाइफ दिखाता हूँ बैंगलोर की। तो मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, मैंने अपनी गाड़ी होटल में ही छोड़ी है और मैंने टैक्सी बुक किया, टैक्सी से मैं जा रहा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा रास्ता। Looking for a shave when it's hot. I've been low key and I'm trying to stop. God, don't feeling good. Yeah, what's up, what's up? When off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say, it's one of a kind. Yeah, what's up, what's up? When off I go, pretty afternoon, it's a fast four. Looking at the skyline, looking back at my life, and I gotta say, it's one of a kind. बेंगलोर का ये कोई इलाका है जहाँ पे होती है नाइट डिस्को पब शब सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। मैं अभी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, अभी तो बस देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं इस सिटी में, इस जगह में। अब बाकी आपको दिखाता हूँ मैं आप। तो जैसा कि आप देख रहे हो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस एरिया में और काफ़ी क्राउड है। रात के बजे हैं डेढ़ बजे का नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। तो गाइस अभी मैंने एक पान फ्लेवर खरीदा है और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। शॉप दिखा रहा था और कैसी बहुत अच्छा टेस्ट है गाइस, बहुत अच्छा है एकदम मज़ा आ गया। दूध है, फ्रोजन दूध है और इसके बीच में पान का थोड़ा सा फ्लेवर। यहाँ की नाइट लाइफ एक्सप्लोर तो की लेकिन एक्चुअली मैं ना लेट हो गया हूँ। मैं यहाँ पे इतना लेट हो गया हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ डेढ़ दो बजे और यहाँ पे मुझे नहीं पता बेंगलोर के सारे क्लब्स एक बजे एंट्री बंद कर देते हैं, एक बजे इनकी एंट्री बंद हो गई है। तो अब सीन ये है कि एंट्री तो हो चुकी है बंद, एंट्री बंद होने के कारण अब मुझे कोई भी मॉल में कोई भी क्लब में एंट्री नहीं मिल रही है। तो इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ, वापस नहीं जा रहा, अभी भी मैं घूम ही रहा हूँ, आपको भी दिखाता हूँ जो जो देखने को मिलेगा। तो भाई ये है यहाँ की नाइट लाइफ, कोई ख़ास नहीं लगी मुझे, ठीक है हाँ थोड़ा सा ऐसे दिल्ली मुंबई का टच देने की कोशिश की है लेकिन ये ना एक बजे सारे क्लब बंद हो जाते हैं यहाँ के, मतलब एक बजे एंट्री बंद हो जाती है। तो ये मुझे कुछ गलत लगा यार, इतना बड़ा शहर नाम सुना है मैंने बैंगलोर का, डे नाइट एंट्री तो रखो तुम सकते हैं। अभी बजे हैं रात के, मेरा क्राउड तो बहुत है और क्लब्स भी चाले चल रहे हैं लेकिन एंट्री एक बजे के बाद नहीं दे रहे हो, मैं एक डेढ़ बजे पहुँचा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अफसोस तो होगा मुझे इस बात का कि आपको क्लब नहीं दिखा पाया बैंगलोर का और मैं खुद भी नहीं देख पाया। हाँ लेकिन ये है कि एरिया बता दिया मैंने आपको नाइट लाइफ का, तो एरिया आप देख लो ये। तो गाइस अब मैं क्लब वाले एरिया जो था उससे थोड़ा बाहर आ गया हूँ, मैंने अभी अपने लिए टैक्सी बुक करवाई है और मैं जा रहा हूँ अपने होटल वापस। और सबसे अजीब बात जो मुझे लगी यहाँ की नाइट लाइफ की जो हाइप है, नेट में मैंने देखा था इंस्टाग्राम में डॉल में कि बेंगलोर की नाइट लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बकवास नाइट लाइफ है यहाँ की, बकवास।
और नाइट लाइफ के नाम पे सिर्फ ऐसे ही दो चार लोग ड्रिंक करके आगे हुटिंग कर रहे हैं, बस यही नाइट लाइफ है। क्लब्स 1 बजे बंद हो जाते हैं और अभी मेरे को टैक्सी भी नहीं मिल रही, मैं उबर से टैक्सी बुक करवा रहा हूँ। 15 मिनट लगभग हो गए होंगे मुझे खड़े हुए यहाँ पे, और 15 मिनट के बाद अभी जाके मेरी टैक्सी बुक हुई और अभी मैं जाऊँगा टू बस मेरे होटल में। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप नॉर्थ तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, ओके है, बट अगर आप नॉर्थ इससे अच्छी नाइट लाइफ मैं आपको बताऊँ तो हमारे दिल्ली की लाइफ नाइट लाइफ ज़्यादा अच्छी है। मैंने मुंबई की भी नाइट लाइफ देखी है, वो भी ज़्यादा अच्छी है, बट बेंगलोर की नाइट लाइफ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। गाइस अभी मुझे एक ना ये दिखा A2B वेज रेस्टोरेंट, ये वही रेस्टोरेंट है जब मैंने ब्रेकफास्ट किया था, डोसे का आपको दिखाया भी था। सबसे बकवास घटिया बाहिया डोसा अगर आपने खाने तो यहाँ पर, क्योंकि इसका डोसा खा के मेरी तबीयत खराब हो गई और एक पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया इनकी वजह से। कहने को साउथ इंडिया का साउथ इंडियन डोसा, अथेंटिक डोसा और इडली यहाँ पे मिलता है, लेकिन आप मानोगे पता नहीं कौन सी अपनी वाहियात चटनी मिला के उन्होंने उस डोसे को इतना वाहियात बना दिया। मैंने आज तक नॉर्थ इंडिया में ऐसा डोसा नहीं खाया जितना इनका डोसा था। नाम याद रखना, टैप कर देना इनको अगर आप जानते हो उस ब्रांड को। तो गाइस फाइनली मुझे टैक्सी मिल गई है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने होटल में। बहुत 20 मिनट इंतज़ार करने के बाद जाके मुझे टैक्सी मिल गया है। इतना सारा ट्रैफिक है और आपको थोड़ा सा ट्रैफिक में दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा ट्रैफिक है। तो यार एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप बेंगलोर में नाइट लाइफ के लिए आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी ना ही लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टैक्सी बुक करवा ले वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी गाड़ी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये एरिया और पार्किंग की जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो बेटर है कि आप टैक्सी बुक करवा लें। तो